वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, हॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो विच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। अक्षय की वजह से संजय दत्त को मिली कौन सी फिल्म? क्या अर्जुन रामपाल ने शाहरुख और करण जौहर के आगे फिर बढ़ाया दोस्ती का हाथ? अपने को स्टार्स को डेट करने के रूमर्स पर क्या कहा टीवी स्टार पर्ल वी पुरी ने? मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 4 में संजय दत्त काम कर रहे हैं या नहीं, इसे लेकर अब तक कंफ्यूजन बरकरार था। अब से कुछ ही समय पहले जब फिल्म की ऑफिशियल कास्टिंग की अनाउंसमेंट की गई थी, तो सिर्फ अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बमन ईरानी और चंकी पांडे का नाम सामने आया था। ऐसे में कहा जाने लगा कि शायद संजय दत्त नहीं बन रहे हैं इस फिल्म का हिस्सा। लेकिन अब ई टाउन न्यूज को सोर्सेज से एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि संजय दत्त की फिल्म में एंट्री हो चुकी है और अक्षय कुमार ने इसमें उनकी हेल्प की है। दरअसल जब संजय दत्त को इस फिल्म का ऑफर दिया गया था, तो फिल्म में अपने रोल की लेंथ को लेकर संजय दत्त खुश नहीं थे और उन्होंने फिल्म के मेकर से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन फिर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ और संजय के बिना ही फिल्म की कास्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी गई। पर अब कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने खुद हाउसफुल 4 के मेकर से बात की है और संजय के रोल को फिल्म में थोड़ा प्रोमिनेंस दिलवाया है और अब संजय दत्त फाइनली इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए हैं और इस न्यूज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही की जा सकती है। वैसे हम आपको बता दें कि फिल्म हाउसफुल 4 की पूरी टीम 40 दिन के लंबे स्केड्यूल के लिए लंदन रवाना हो रही है और मेकर्स चाहते हैं ये फिल्म नेक्स्ट ईयर दिवाली में रिलीज हो। निकिता वधावन, जूम, मुंबई। आपके फेवरेट सेलेब्स को हमने कल कैप्चर किया इंडिया कैंडिड बेस्ट अवतार। सबसे पहले हमें नजर आए सलमान खान, जो कि एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे थे। सोर्सेस का कहना है सलमान खान यहां रेस 3 के डबिंग वर्क को कंप्लीट करने पहुंचे थे। सलमान यहां नजर आए फुल ऑन चिल मूड में। सलमान अपनी ब्लू डेनिम्स और ग्रे टी शर्ट में नजर आए काफी फिट एंड फैब। वहीं वीरे दी वेडिंग की स्क्रीनिंग रही काफी खास, जहां पूरी कपूर फैमिली नजर आई इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए, बट अगेन यहां लाइमलाइट रही न्यूली वेड सोनम कपूर एंड आनंद आहूजा पर। और यहां इन दोनों ने मीडिया को निराश नहीं किया और जमकर किया पोज। वैसे इस खास स्क्रीनिंग पर अनिल कपूर नजर आए अपने झकास अंदाज में। अनिल कपूर अपनी प्रोडक्शन में बनी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। साथ ही यहां स्पॉट किया गया बोनी कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, रिया कपूर, निखिल द्विवेदी, मोहित मारवा, राजकुमार राव और पत्रलेखा जैसे सेलेब्स को। भावेश जोशी वीरे दी वेडिंग के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। ऐसे में कल वीरे दी वेडिंग के साथ साथ भावेश जोशी की स्क्रीनिंग भी रखी गई। यहां अपने बेटे को सपोर्ट करने पहुंचे अनिल कपूर, साथ ही हर्ष की पहली फिल्म मिर्जिया के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी यहां नजर आए। वहीं छोटे नवाब तैमूर अली खान को हमने स्पॉट किया उनके प्ले स्कूल के बाहर। यहां तैमूर को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, बट एज यूजुअल तैमूर एंजॉयड द लाइमलाइट। और फिर कुछ ही समय बाद तैमूर को स्पॉट किया गया अमृता अरोरा के घर पर, जहां अपने लिटिल फ्रेंड्स के साथ वो खेलने पहुंचे थे। मूविंग ऑन, शाहिद कपूर को हमने स्पॉट किया एट द एयरपोर्ट, जो अपनी शूटिंग के लिए मुंबई से रवाना हो रहे थे। शाशा यहां नजर आए अपने कैजुअल लुक में और उन्होंने पापराजी के लिए किया पोज। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल आजकल अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम की खबरों को लेकर न्यूज में है। मेहर जैसिया से सेपरेशन की न्यूज हर जगह छाई हुई है, लेकिन अब अर्जुन लाइफ की नेगेटिव बातों को भूलकर कुछ पॉजिटिव करने की सोच रहे हैं। अर्जुन अपनी पर्सनल लाइफ की जगह प्रोफेशनल लाइफ पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं और अपने करियर को रिवाइव करने में लग गए हैं। एक्सक्लूसिव सोर्सेज की माने तो अर्जुन अपने करियर को ट्रैक पर लाने के लिए करण जौहर और शाहरुख दोनों से ही मुलाकात कर रहे हैं।
अर्जुन चाहते हैं कि वो बिग बैनर की कुछ फिल्में करें ताकि फिर से उन्हें लाइमलाइट मिल पाए। अपनी कुछ लास्ट रिलीजेस डैडी, कहानी 2, रॉक ऑन 2 और रॉय के फ्लॉप होने के बाद अर्जुन रामपाल ने फिल्म साइन नहीं की है और अब वो अपने अच्छे फ्रेंड्स शाहरुख और करण की हेल्प से बॉलीवुड में वापसी करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबर थी कि अर्जुन रामपाल अपनी वाइफ मेहर जैसिया की वजह से ही शाहरुख और करण जौहर से दूर हो गए थे, लेकिन अब जब अर्जुन ने मेहर से सेपरेट होने का मन बना लिया है तो वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स करण और शाहरुख के पास वापस जाना चाहते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरह फिल्म रावण की रिलीज के दौरान शाहरुख और अर्जुन रामपाल के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि शाहरुख ने दोबारा अर्जुन के साथ कभी ना काम करने की बात की थी। वहीं करण की फिल्म दिया फैमिली की शूटिंग से ठीक पहले अर्जुन के रेम्यूनरेशन बढ़ाने की डिमांड की वजह से करण उनसे नाराज हो गए थे। वेल, लगता है अर्जुन अब पुरानी बातों को भूलकर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो कर रहे हैं शाहरुख और करण को अप्रोच। फॉर ज्योति सिंह, जूम मुंबई। रणवीर सिंह का अंदाज होता है हमेशा सबसे हटके और ये एक बार उन्होंने फिर प्रूव किया विद अ वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है फिट इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो में रणवीर के साथ मस्ती करते हुए एक्टर्स आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह की तरह ही आलिया भट्ट भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सबको खूब इम्प्रेस करती हैं और इस बार फिल्म संजू के ट्रेलर को आलिया ने इतने सारे हाथ दे दिए हैं कि हर कोई आलिया के इस ट्वीट के बारे में बात कर रहा है। आलिया ने संजू के ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया है, ब्लोन अवे @ राजकुमार हिरानी # रणबीर कपूर @ सोनम कपूर @ अनुष्का शर्मा @ विकी कौशल 09 @ दी स्पीक # संजू ट्रेलर। मूविंग ऑन, शाहिद कपूर ने अपने फैंस को मैसेज दे दिया है कि वो अपनी फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग फिर से शुरू कर रहे हैं और शाहिद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है। हम आपको बता दें कि फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से शाहिद की ये फिल्म मुश्किल में फंसी दिख रही थी। वहीं वरुण धवन भी अपनी फिल्म कलंक के सेट पर काफी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली शूट के दौरान वरुण हो गए इंजर्ड और उन्होंने अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी थ्रू दिस स्पेशल मैसेज। वहीं सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर करीना के साथ एक और पिक्चर शेयर करके प्रूव किया है कि वो दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। सोनम कपूर और करीना की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर ना होने के बावजूद हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस क्रिएट करते रहते हैं और अब रणबीर ने एक बार फिर कहा है कि वो खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखना चाहते हैं और अपने इस डिसीजन से वो काफी ज्यादा खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Supermodel Kendall Jenner has a new man in her life. If reports are to be believed, then Kendall has found love in NBA player Ben Simmons. The two were spotted on a lunch date at a Beverly Hills hotel earlier this week. It's still not clear, however, if the said girl was Kendall. In the past, Kendall has romanced yet another NBA player, Blake Griffin, and the two dated each other for several months. Justin Theroux was snapped shirtless alongside Emma Stone in a picture that has been making the rounds on the internet. The two have been spending time together in a bungalow at the famed hotel Du Cap Eden Rock in France on Tuesday. Ye dono hi France pahunche hain on the Louis Vuitton cruise, a luxury brand that the two are endorsing. The two were also recently spotted before the Met Gala event grabbing dinner together. The famous pair have become friends after working together on the upcoming Netflix show Maniac. Harvey Weinstein gets indicted in rape case. A grand jury in Manhattan has officially indicted Harvey Weinstein on accounts of the several sexual assault and rape charges against the movie mogul. The indictment came hours after Harvey's lawyer stated that Harvey won't be testifying owing to political pressure. Harvey ko indict kiye jaane ke baad bhi unke lawyer Benjamin Braffman in allegations ko unsupported batate rahe and said he would vigorously defend against the indictment and ask a court to dismiss it.
Hi, my name is Mohit Rai. I'm a celebrity stylist and a creative director. Today, I'm here on Be Your Star to help you achieve your favorite celebrities' favorite looks in a very easy way. One of my favorite people to work with in the industry is Shilpa Shetty Kundra, and she's one of the most loveliest people I've ever met, and she's very experimental in terms of her style and look. One of the best looks that we did with her was a really beautiful draped pantsuit with a lace bralette, pointy shoes, straight minimal hair and a diamond choker. If you see, the look doesn't have too many accessories. It was just the one statement accessory, which was a diamond choker, and it really helped elevate the look and make it almost an evening look, which you wouldn't expect from a pantsuit because it's always known to be a very corporate sort of a silhouette. You can achieve the same look by taking a classic pantsuit, classic black pantsuit, and belting it up, giving it a slightly cooler twist, which is a very good international trend right now. You can also pair it with wide leg pants instead of straight pants. You can, instead of pointy closed shoes, which is a classic, you can also wear strappy shoes, maybe in a contrast color if you want to lift the look. Instead of wearing a bralette, which is a very evening thing to do, you can also make it a nice day look by wearing a shirt inside or keeping it very like easy with a tank or a spaghetti top. In terms of the hair and makeup, you can keep it slightly easy by keeping the hair open and the makeup very natural, or you can take it into a low ponytail. It'll also be really chic. I have no qualms in admitting that Sonakshi is my favorite person to dress, and she was also one of the first people that I started working with, and I think because of her, I actually learned the most in my journey in styling. My favorite look ever that we've ever done with her was the red carpet look at IFA last year, which was a beautiful red sheer gown, very minimally lined and fully crystally embellished with a power sleeve and a beautiful neckline, which worked beautifully as a silhouette on her. The color looked brilliant. I think she's one of the best dressed of the year because of that outfit. And I think she pulled it off with so much grace. And with that, we just paired it with like nice metallic heels, open heels, and some beautiful statement earrings, which is a very clean, minimal thing to do, and long, open, straight hair. One of the key elements to take away from that look was the power shoulder, which is a huge strength globally. And it also represents a strong, independent, powerful woman. I think a great way to interpret that look is wear a day short version of that dress, as you can see in the model. We've also accessorized the look with a black statement belt to tie it up and leave it loose. You can also accessorize the look in a similar manner as to what Sonakshi did. You can also do a closed shoe, which is a great way to sort of amp up the look. In terms of accessories, I would keep it clean, very minimal. Maybe you could wear a watch with it and just keep your hair open and straight and fresh, like you're out of the spa. So this was our trend for the day. If you want to feel super confident about your style, you can shop such similar looks on Myntra.com. सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाले के सिकंदर सिंह गिल यानी पॉपुलर टीवी स्टार मोहित मलिक की वाइफ अदिति मलिक को एक वक्त पर अपनी ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी थी। एक चैट शो में पहुंचे मोहित इस बात का खुलासा करते हुए हो गए इमोशनल। यार मैंने सोचा नहीं था वो बात मैं शेयर करूंगा, बट वो हो गई और वो एक्चुअली ये सच्चाई है और ऐसा हुआ। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इस चीज से अच्छा मैसेज लें सब, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। ऐसा वक्त हर किसी की लाइफ में आएगा और आ सकता है और आ रहा होगा लोगों की लाइफ में, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि बी स्ट्रांग, नथिंग इज परमानेंट। वेल, जब जूम ने किया सवाल कि शादी के इतने साल बाद भी कब होगी उनकी फैमिली प्लानिंग, तब क्या था दोनों का रिएक्शन, आप खुद सुनिए। अभी नहीं, मेरे ऑलरेडी शो में है ना कुल्फी बच्ची, बस अभी मेरी बच्ची हुई है। बच्ची है हमारी कुल्फी। टीवी स्टार पर्ल वी पुरी हिट टीवी सीरीज नागिन के थर्ड सीजन में दिखाई देंगे। वहीं पर्ल वी पुरी हमेशा रहते हैं सुर्खियों में अपने शो के स्टार कास्ट के साथ लिंकअप वाली रूमर्स की वजह से। और अब जूम ने एक्सक्लूसिवली पर्ल से किया सवाल इस बारे में, तब क्या था उनका जवाब, आप भी सुनिए। हाँ, हंसी आती है मुझे, लेकिन पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता होगा, मुझे अजीब लगता है। मुझे इसलिए अजीब लगता है क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ यार। फॉर दैट मैटर हम लोग सभी लोग, सारे एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं, और हम लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जैसे हर किसी की अलग स्टोरी होती है, मेरी अलग स्टोरी, मैं घर छोड़ के आया हुआ हूँ। माई डैड इज़ अ वेल ऑफ गाय, मैं बहुत अच्छे से रहता था वहाँ पे। वहाँ से आने के बाद, घर छोड़ने के बाद, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे खाने के, वैसे वाले दिन भी देखे, बहुत सारे एक्टर्स ने देखे हैं, मतलब मैं कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा, बहुत स्ट्रगल देखा है। और इतने स्ट्रगल के बाद जब हम फाइनली कुछ कर रहे हैं, तो जेन्युइनली हम चाहते हैं कि हमारे काम को अप्रिशिएट करें।
Well, जब जूम ने पर्ल से ये जानना चाहा कि क्या है उनका टेक उनके और करिश्मा तन्ना के लिंकअप वाली रूमर्स पर, तब पर्ल का क्या था रिएक्शन आप खुद ही देख लीजिए। सॉरी पर्ल, सॉरी टू आस्क यू, बट अभी मैंने पढ़ा था कि इनकी मतलब करिश्मा को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। वेल, पर्ल और करिश्मा की लिंकअप्स की खबरें उनके शो नागार्जुन एक योद्धा के समय से सुर्खियों में थी, और अब एक बार फिर दोनों के एक साथ एक शो में आने से रूमर्स जोरों पर है। लेकिन पर्ल ने कुछ ना बोलकर ही खबरों पर लगा दिया है विराम। कमिंग अप इन द शो, वी रेडी वेडिंग की कास्ट ने की जूम से एक्सक्लूसिव चैट। You have not let her do an introduction. Nobody knows what we're talking about. We did wedding नहीं बोला है हमने, first June नहीं बोला है हमने. Why don't you do an introduction? बोल दिया ना, अभी तो बोल दिया ना, first June we did wedding. Yeah. Four of us sitting here all we did wedding. You know now. Trailer देखा होगा आपने, so they all know. Yeah. We'll start with Swaraj's character. No, no, no. Swaraj is the most controversial character. Why is this happening? It's Swaraj's character is the most controversial. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना, एक बात है आपके। शी इज अ रेकलेस कैरेक्टर एंड शी हैज नो, शी इज बेसिकली एन इडियट बट अ वेरी रिच इडियट, सो शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स एंड बट शी हैज दीस थ्री पीपल बेसिकली आर लाइक रिच पीपल आइडियट। ओह माय गॉड, नो, आई वाज कंप्लीटली आउटसाइड माय कंफर्ट जोन इन प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड इन डूइंग दिस फिल्म। मैंने हां, मेरे पूरे करियर में गरीबी, भुखमरी, बीमारी, लाचारी, बेरोजगारी एंड बीमारू स्टेट्स मुझे मत बिठाओ सर के साथ यार, आई एम नॉट कंट्रोवर्शियल। पूरा थिंग कैन यू स्टार्ट इट ऑन अ सेपरेट इंटरव्यू सब को बोलो। हां, सेकंड इट, डोंट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस गाइस, ओनली आस्क करीना जी क्वेश्चंस। बट आई वांट टू नो शिखा, लाइक ऑन दैट नोट, हैव एवरीबॉडी गॉन टू हैव पीपल एक्चुअली कम टू यू एज अ जोक एंड से Oh, wow, I'm working with Kaleena. Yeah, please. In Morocco, people, there was a girl who was waiting for 8 hours outside my hotel. Okay. Because she's some Kareena Kapoor, some number on Instagram. Wow. And she came up to me now. मुझे एक मिनट के लिए लगा कि wow, मैं Morocco में famous हूँ. And she said, excuse me, you are going to do a film with Kareena Kapoor. Please. As long as they watch the movie. That's she all. Has. They have to go to the theater. Swara and Sonam, how have you not managed to get her on social media yet? Tell me. I mean, like, but I am on social media. She is on social media because of social media. Undercover. Everybody, she knows everything that's happening. I'm like a raw agent. Yeah. Yeah. So but, there is no point because she knows what's happening on social media before I do. And you also have to check which is the next photo that's come out of your son. That I have to check. No? Yeah, but it's fine. I mean, for me, even first when I was seeing Taimur's pictures everywhere, I was feeling bad for her. I was like, you know, she just has this child. She unfortunately lives in Bandra, which is amazing. But the full media is over there, packed over there. And this child is going to play school. This child is going here. This child is going there. And you know, it's like. But the other thing to it is like some of my friends are like proper Taimur fans. Yeah. And he's like, they give me joy to see this happy, cute child outside all the time waving to the media, posing. But talking about Tareefa, I think the song is kick-ass. Swara did a great job because she rehearsed with me for 5 minutes. Swara rehearsed for five days. And for 4 hours each, but I want to know, really, did you get like really nervous? No, but oh my God, I want to dance. Yeah, I'll tell you what. She's saying, you're looking like you're in Haryana. No, what are you doing? You're dancing like you're in Haryana. Are you saying Riya told me? No, we four have done that dance move. No, I'll tell you why. She's like, you can see Swara's expression. Yeah, I think because I think. I can also do this every time. Like, उसमें Riya said, मेरे सारा को इतने अच्छे कपड़े में डाले and she's like, why am I wearing these clothes? She's like, I cannot put this, she looks uncomfortable. But I was. I'm going to say a sentence and you have to tell if someone would have asked you that, what we'd have said. Okay? We'll go. When someone says to you, you should do an item number for more popularity.
I can't do any more items. That's my answer back. Yeah. But I have fun doing it. So yeah. It's fine. When someone says to you, let's start talking about equal pay when movies led by women also do, as well as the Khan films do. Huh? Okay, I like that. No, that's exactly what I've been like, what? Yeah. When someone says to you, the male lead will get a bigger vanity than yours, and that's how it works. I am very happy. My vanity is very, very like chota. I'm very happy. Please, you have to see your vanity. They are anyway complaining about my vanity van. What is this? I love your vanity van. It's very khatara. It's my luxury vanity van. I really like it. Yeah. Lucky, I have to do it up if it's so lucky. Yeah. No, 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 I'm lucky vanity van. Yeah, no. Are you? You're one of them. We've been through a lot of disasters also. We don't have sahara diya. I'm very happy. It's okay. Pretend like Kareena Kapoor in the set of Veera Devaki. Listen. It'll be like that. It's a mess. It's a mess. Yeah, listen, but can I please tell you that she is a linguist. We have between us a linguist. She's no language. No language. She's so. She's so powerful. You know, I know. First, Alia talks exactly like her all the time. So I find it so funny to be like, mini Kareena Kapoor coming out talking like this mess and all. I was so big. She's talking like this. We all are talking like this. We are the whole film set is words. Everyone's talking like this. Mess. And I'm still doing it. And I'm seeing in YouTube comments like, why is Swara acting like Kareena Kapoor? Oh, really? Doesn't she know her place? Oh, I mean, what do I do? Yeah. It's a mess. It's a mess. Addiction. I had a lot of fun. Thank you so much. If this is the kind of fun that you want to see, it's going to be even more crazy. Thank you. Check it out. Thank you. Thank you.